गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बीच चंडीगढ़ में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरज की तपती किरणें अब लोगों को सताने लगी हैं। आग उगलती इस गर्मी से सब परेशान हो रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि एसी, कूलर और पंखों ने काम करना बंद कर दिया है। हाल ऐसा हो गया है कि लोगों को चेहरा, मुंह और सिर ढककर घर से निकलना पड़ रहा है। गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है इस वक्त। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। मुझे वहाँ पे भी टेम्परेचर लगभग 40-45 के आसपास रह रहा है और यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है। सर, सर्वाइव तो करना मुश्किल है, इसलिए हम शिकंजी, नींबू पानी ये सब यूज़ कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आप अपने फेस को ढक के रखें और नींबू पानी और जैसे अपने बॉडी को हाइड्रेट करते रहें। जैसे पानी पानी के साथ कुछ लें, जैसे नींबू पानी हो गया, शिकंजी या फिर जूस लें आप। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रखा है चंडीगढ़ का इस वक्त, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? सर, मैं बहुत ये कि फल फ्रूट खा रहे हैं जो ताजगी रहे हैं शरीर के लिए, और पानी टाइम टू टाइम पानी पी रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि इतनी गर्मी में हो सके तो आप घर पे ही रहें, बाहर ना निकले। सर, क्या करें, पेट का मसला है, यहाँ पर रोजगार भी चाहिए, इसीलिए निकलना पड़ता है काम के, पेट के लिए करना पड़ता है, फैमिली देखने के लिए। आग उगलती इस गर्म हवा से दिन भर बाहर सड़कों पर, बाजारों और मंडियों में काम करने वाले लोगों का बुरा हाल हो गया है। बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रहा है, ना पैसेंजर आ रहा है गर्मी की वजह से, हम लोगों को भी परेशानी हो रहा है, डिहाइड्रेशन के शिकार भी आदमी हो रहा है, काफी गर्मी महसूस। सर, रोजी रोटी चलाना है तो सर्वाइव तो करना पड़ेगा, देखभाल के नहीं, हमारे पर बच्चों को मैं देखूंगा, उसके बाद अपने शरीर को देखूंगा। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है जी, 45 डिग्री गर्मी हो रही है और काम धाम खत्म हो गए हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? बस हमने देखो पन्ना रखा है, गीला करके पानी में उसको सिर पे रखा है, और क्या कर सकते हैं।